हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और मेरे चैनल रजनी की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आलू और साबूदाने के साथ मैं एक कुरकुरा नाश्ता बनाऊंगी जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अंदर मैंने ये दो आलू लिए हुए हैं, ये दोनों आलू बॉयल किए हुए हैं। अब इस तरीके का मैं एक ग्रेटर ले लूंगी और ये जो आलू है इस तरीके से इसे मैं ग्रेट कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो एक मैशर की मदद से इसे मैश भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, जो इसमें आलू में गुठलियां हैं वो नहीं रह जाएंगी। दोनों आलू को मैश कर लेती हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है साबूदाना, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कच्चा साबूदाना मैंने लिया है करीबन आधा कटोरी। अब मैं लूंगी एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार, इसके अंदर मैं ये कच्चा साबूदाना डाल दूंगी, इसे मैं पीस लूंगी और इसका मैं एक फाइन पाउडर तैयार कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे आलू भी घिस गए हैं और अब इसके अंदर ये जो मैंने साबूदाने का पाउडर तैयार किया था वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। फिलहाल के लिए मैं आधा ही इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ और इस तरीके से मैं आलू के साथ इसे मिक्स कर देती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, साबूदाना और आलू को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई मैं हरी मिर्ची डाल दूंगी अपने स्वाद अनुसार, साथ ही साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने स्वाद अनुसार। मैं इसके अंदर नमक मिला दूंगी, व्रत में जो भी नमक का इस्तेमाल आप करते हैं वो नमक आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी काली मिर्ची का पाउडर, यहाँ पर मैं एक चम्मच काली मिर्ची का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी चीजों को भी एकदम अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ अपने हाथों की मदद से ही। फ्रेंड्स, मैं अब इसे मिक्स कर रही हूँ और इसका मैं एक डो बनाने के तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं डाल दूंगी क्रंच के लिए थोड़ी सी कुटी हुई मूंगफली, ये करीबन दो चम्मच मूंगफली का मैं इस्तेमाल किया है, और एक बड़ा चम्मच मैं इसके अंदर नींबू का रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन सभी चीजों को भी मैं मिक्स कर देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, और इसका मैं एक डो रेडी कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट साबूदाना और जो आलू है बाकी चीजों के साथ भी मिक्स हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये सभी चीजें मिक्स हो गई है और इनका एक डो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, मैं एक प्लेट ले लूंगी और ये जो डो है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैं एकदम अच्छे से शेप कर दूंगी अपने हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे फ्लैट कर रही हूँ, और फिर फ्रेंड्स, या फिर आप इसे बेलने की मदद से भी बेल कर फ्लैट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने इसे फ्लैट कर दिया है अपने हाथों से, फ्लैट कर दिया है जैसा आप देख सकते हैं। अब एक छुरी की मदद से मैं इसे कट कर दूंगी। फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसे जैसा शेप देना चाहे वैसा आप शेप दे सकते हैं, आप इसकी गोल टिक्कियां बनाना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, आप इस तरीके से स्क्वायर बनाना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने इस तरीके से ट्राइंगल बनाए हैं उस वैसे भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे ट्राइंगल का शेप दिया है। अब मैं इसे शैलो फ्राई कर लूंगी, ये मेरी व्रत की आलू टिक्की को। टिक्की को फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने तेल गरम करके रखने के लिए रख दिया है। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया है, आप ज्यादा तेल का भी इस्तेमाल करके इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये जो मेरे आलू की टिक्की या आलू के कटलेट जो भी आप बोल सकते हैं, ये जो मैंने तैयार किए थे, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे मैं एकदम अच्छे से फ्राई कर लूंगी दोनों साइड से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। एक साइड से जब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसे पलट कर हम इसे दूसरी साइड से पका लेंगे। साइड पर हमारी टिक्कियों को पकते हुए करीबन 10 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम के ऊपर। अब मैं पलट कर देख लेती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा, कितना ब्राउन सुंदर कलर इसके ऊपर आ गया है। हमारी ये जो टिक्की है वो एक साइड से ये देखिए फ्राई हो गई है। अब इसे दूसरी साइड भी हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी इसे पलट कर हमें पका लूंगी। सेम ऐसा ही कलर आने तक मैं दूसरी साइड भी इसे पका लूंगी। 5 मिनट बाद मैं दोबारा इसे पलट लेती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइड से भी कितना अच्छे से इसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया है। व्रत का आलू साबूदाने का कुरकुरा नाश्ता, आप इसे व्रत की पैटिस भी बोल सकते हैं, बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ और बाकी की भी जो मेरी पैटिस मैंने तैयार की थी उसे बनाकर मैं सर्व कर देती हूँ।
आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।